तो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है जो सप्तम सेवेंथ कैंटो सप्तम स्कंद है श्रीमद् भागवतम, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सब जो शिक्षा है वो प्रहलाद महाराज इसमें बताए। जो सब शिक्षा है जिसमें हम लोगों को मतलब हम लोगों को चलना चाहिए, हम लोगों को वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। जब आप प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी का किताब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस शिक्षा में जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उस पर उस रास्ता पर चलना चाहिए। बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी सोचना चाहिए कम से कम कि हम कभी ना कभी कोई ना दिन
ये जो शिक्षा है इस पे चले, इच्छा करना चाहिए कोई दिन ये जो शिक्षा है ये मेरा जीवन होगा। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज ये हो सकता है कि हम लोगों का बहुत सारा ये हो, क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेसीज, मतलब बहुत सारा कमी हो, बहुत सारा क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत सारा खामियां हो, ठीक, जिसके कारण हम इस पर हम नहीं कर पा रहे। लेकिन हमेशा इच्छा होना चाहिए कि कोई दिन हम इस पर, इस जो ये जो स्टैंडर्ड है इस पर आएंगे। इसलिए उसको बोला जाता है, मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ ठीक है, मेरा कोई योग्यता नहीं है कि आप लोग सोचें कि ये व्यक्ति सारी सब है क्या, ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो इसको बोलते हैं पूर्व राग। पूर्व राग मतलब कबे हबे बोलो से दिन आया है, कब दिन आएगा कि हम क्या अपराध रुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हृदय अभी सुन जा। पूर्व राग मतलब राग से पहले, राग मतलब क्या, यहाँ पे जो एक बात बता रहे प्रभुपाद ये एक्चुअल है, लेकिन हम लोग वहाँ से कहीं बहुत 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 दूर में, ठीक है, लेकिन हम लोग को एस्पायर करना चाहिए कि हम उस जगह पर जाए, वो जो एस्पिरेशन है, ठीक है, हैंग करेंगे ठीक है। तो उसको बोलता है पूर्व राग, तो उसमें बोल रहे क्या, कबे हबे बोलो से दिन हमार। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि जैसा श्री प्रभुपाद जी बताए थे कि आइडियल ह्यूमन सिविलाइजेशन, एक चैप्टर है यहाँ पे आइडियल ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो हम लोग अभी जो क्या बोलते सिविलाइजेशन या सभ्यता में रहे, इट इज़ नॉट ये चीज, ये आइडियल आदर्श सभ्यता नहीं है। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता है वो क्या है, आदर्श सभ्यता है। तो इसलिए ये जो सभ्यता है इसमें बहुत सारा हम लोग देख रहे खामियां हैं, बहुत बहुत कलयुग में क्या हुआ है, कलयुग का आने से ना इस जगत के लोग सब पाप कर्म में लिप्त हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, इलिसिट सेक्स टू मच प्रोमिनेंट, बहुत प्रिविलेंट समाज, उससे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां पे भी देखो बस वही और कुछ नहीं। तो इसीलिए इस जगत में लोग इतना ज्यादा, अभी जो सभ्यता है उसमें इतना ज्यादा ये पाप में लिप्त हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, उनको उसका कभी ना कभी उसका वो क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं रिपे द डेप्थ, मतलब उसका, हाँ उसका कर्ज अदा करना पड़ रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो जैसे आप देखेंगे कि जब आप छोटे थे तो उस समय जो क्या बोलते हैं इसको आप, जो प्राकृतिक आपद
कैच नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदा। अच्छा, प्राकृतिक आपदा आपद जो है इतना नहीं था, इस प्रकार का नहीं था। जो क्या बोलते हैं, मौसम है वो हर समय में एक नियम के साथ चलता था। ठीक है, जब गर्मी की ऋतु आती थी तो उस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, और उस समय हर दिन शाम को जो है, आप लोगों को पता नहीं ऐसा एक्सपीरियंस मतलब ऐसा अनुभव है कि नहीं, लेकिन हमको है, काल बैसाखी होता था। काल बैसाखी मतलब बैसाख महीना समझते हैं ना। हाँ, बैसाख महीना को जब शाम होता था तो एक तूफान आता था। हाँ, ऐसा तूफान आता था जिसमें एकदम अंधेरा हो जाता था। तो अंधेरा हो जाता था और इतना जोर से तूफान होता था कि पेड़ उखाड़ के फेंकता था। हाँ, बिजली कड़कती थी। हाँ, आम गिरते थे। तो जब वो बिजली कड़कती थी, वैसा तूफान होता था, तो उसमें कोई कई लोगों का मौत भी हो सकता था, बिजली से या कुछ से, पेड़ का गिरने से, किसी का घर गिर गया। इसलिए उसका नाम था काल बैसाखी। काल मतलब बाप मौत आ गया। तो उसको बोला जाता था क्या, काल बैसाखी। तो ऐसा हुआ करता था। फिर जब बरसात के ऋतु आते थे तो बरसात हुआ करता था। कभी कभी इतना बरसात होता था कि बाढ़ आ जाता था। ठीक है, इतना बाढ़ आ जाता था कि लोगों का खेत डूब जाता था। लोग ने अपने खेत में धान लगाया है, सब डूब जाता था, घर बह जाते थे, ऐसा। फिर उसके बाद जब वर्षा की ऋतु, बहुत ही ज़्यादा बरसात होता था, बरसात ऋतु में कोई घर से बाहर नहीं जा सकता था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम हम लोग सुना है, उन्होंने एक पोएम लिखा था जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। उसका नाम है, ऐसे पोएम में से बोलते हैं, नील नमो घने आषाढ़ गगने आज तोरा जास ने घरे बाई। मतलब नीला सा बादल है, घना सा बादल है, आषाढ़ महीना आप लोग जानते हैं, आज आप लोग घर से बाहर मत जाइए, जब बोले। हाँ, क्योंकि जो बादल है उसमें क्या है, तिल ठाई नहीं, मतलब तिल समझते हैं, इतना बादल काला हुआ है कि उनके तिल भी रखने का कोई फाका नहीं है कि नहीं, ऐसा काला बादल है। इसलिए बोल रहे हैं अभी बाहर जाने से अभी बहुत जोर से बरसात आ सकता है, इतना जोर से बरसात आ सकता है कि कभी बाढ़ आ सकता है। हाँ, तो इसीलिए जो मानो गाय लेके, जो राखाल समझते हो, जो गाय को लेके जाता है, हाँ, कावर्ड में उसको बोलते हैं राखाल बंगाली में, हिंदी में नहीं पता। ग्वाल बालक लड़का, वो जब गाय को लेके जाएगा तो पानी में बह भी सकता है, समझ रहे कि नहीं। इसलिए बोले घर से बाहर मत जाओ, ऐसा कविता लिखा हम लोग पढ़ते थे। तो उसके बाद कौन सा ऋतु आया वर्षा के बाद, बरसात के बाद देखो आप लोग सब इंजीनियर है ना, एक मिनट थोड़ा बैठो। हम लोग इंजीनियर है ना, आप लोग सभी लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे। वो जो हमारा प्रभु जी है वो बचपन बंगाली मीडियम में पढ़े थे, गवर्नमेंट स्कूल या कुछ ऐसा स्कूल में पढ़े थे, तो तुरंत से उनको ऋतु याद आ गया। और आप लोग जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, इंजीनियर है, उनको ऋतु याद ही नहीं आया। क्यों पता है, सच बात है। एक्चुअली ये मैं जो बोल रहा हूँ मजाक करके नहीं बोल रहा हूँ,
एक्चुअल फैक्ट है, क्योंकि हम मतलब हम लोग जीवन का कंपटीशन, अचीवमेंट और ये सब चीज़ों में इतना चल हम लोग गए, हम लोग भूल गया क्या होता है ऋतु, क्या होता है जीवन, हाँ ठीक है, हम लोग भूल गया है। सच घटना है, ऐसा नहीं कि कोई मैंने इसके पीछे कहा, ऐसा नहीं कि समझ रहे ना क्यों क्यों याद नहीं आता है, क्योंकि वो तो मतलब इररिलेवेंट चीज, क्या रिलेवेंस है हम लोगों के साथ, है कि नहीं, बरसात हो या ना हो क्या मतलब, क्या बरसात हो कोई आइडिया नहीं, बोला जाएगा कि आप बोलिए बैसाख ज्येष्ठ महीना बोलिए हैं तो पता चला भूल ही गया तो उसके बाद क्या आता है, बरसात के बाद शरद ऋतु आता है, ठीक है, जब शरद ऋतु आता है तो फिर क्या होता है, बरसात रुक जाता है, बरसात जब रुक जाता है तो क्या होता है ना, मतलब थोड़ा प्लीजिंग एटमोसफियर होता है, उतना रेंज नहीं कुछ नहीं, तो उस समय हम लोग फेस्टिवल्स करते थे, है कि नहीं, तो ऐसा पॉइंट था। उसके बाद कौन सा ऋतु आता है, देखो फिर से देखो, शरद के बाद शरद के बाद हेमंत ऋतु, टेक्निकल खो टेक्निक, तो उसके बाद आता है हेमंत और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद शीत और उसके बाद क्या आता है, वसंत। हर एक जो ऋतु है उसका एक सिग्निफिकेंस, मतलब वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ उसका एक एनवायरमेंट मौसम होता है, ठीक पर्टिकुलर टाइप ऑफ होता है, और हर एक ऋतु का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो मौसम होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आनंद होता है उस ऋतु का, मतलब एक अलग डिफरेंस होता है। जैसे एक किताब में एक इस्कॉन के महाराज लिख रहे थे कि मैं हम बांग्लादेश में रहता था, तो मैं बांग्लादेश में जब गर्मी की मौसम आती थी तो दोपहर में इतना गर्मी होती थी, इतना गर्मी होती थी, वो सुनसान रहता था, ठीक है, इवन एक कौवा भी बोलता था सिर्फ वही आवाज़ सुनाई देता था, कुछ नहीं सुनाई देता, ठीक है, गर्मी का ऐसा प्रभाव होता है। तो ऐसे हर एक ऋतु का एक महत्व है, और जब वो क्या बोलते हो, जब वो शरद ऋतु आता था, जब वो सब फेस्टिवल ये सब चीज़ होता था, तो उसका भी एक महत्व होता था, उसको कृष्ण भावना से हमेशा उसका कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, लेकिन अभी जो हम समाज में रह रहा है वहाँ पे जो फेस्टिवल होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, इलिसिट सेक्स, और कोई उद्देश्य नहीं, एक ही उद्देश्य है इलिसिट सेक्स और कोई उद्देश्य नहीं, वल्गर एटमॉस्फेयर, सिंपल समाज, सेल्फिशनेस, स्वार्थी लोग हैं सब, खाली अपने बारे में, लाइक मेरी बहुत खराब समाज। तो इसीलिए आप देखेंगे क्या, ये जो सभ्यता है इसको आप बहुत अच्छा से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें देखेंगे कितना डेमोनिया है, आसुरिक सभ्यता है, आसुरिक मेंटेलिटी सभ्यता, जिसके कारण उनका जो कार्यकलाप भी रहता है वो भी वैसे आसुरिक सब रहता है, जिसके चलते ये सब जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सब जो चीज़ है इसका ध्यान भी नहीं आता उनको, सभी प्रकार का आनंद
इस जगत में इस सभ्यता में लोग जो जिसको अनुभव कर रहे हैं सभी आर्टिफिशियल कृत्रिम बिग बाजार रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन इंजन तो इसीलिए जो आसुरिक सभ्यता है उसमें उसका एक पहला एक इलिसिट सेक्स बहुत प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा इट्स टू प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा आज से मानिए हम लोग जब छोटे थे आज से मानो 20 साल पहले भी इतना प्रोमिनेंस नहीं था अभी का जो समाज है उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंस कुछ ज़्यादा ही मतलब कोई लोक लज्जा जिसको बोलते हैं ना वो है नहीं ठीक है उसको जितना त्यागेगा उतना अच्छा आदमी जितना ज़्यादा उसका जो मर्यादा सब चीज़ भूल जाएगा एकदम उतना बढ़िया तो इसीलिए इतनी इतनी गाय का हत्या करना और इतना अवैध इलिसिट सेक्स प्रोमिनेंस होगा तो क्या होगा समाज का मैन वुमेन जो आदमी है और औरत है उसको हमेशा डिफरेंस में रहना चाहिए समाज का नियम लेकिन जहाँ पर समाज है क्या ना आदमी मैन एंड वुमेन माने आदमी और औरत का जो प्री मिक्सिंग ठीक है वाह क्या बात है ठीक है तो जिस दिन ये समाज में ये चीज अलाउ किया गया है उस दिन उस समाज का जो एंड है दैट्स डिफाइंड मतलब खत्म हो चुका है वो समाज जस्ट अपेक्षा कीजिए समय का कब अंत हो जाए क्योंकि जो मतलब जो चीज़ से हमको मतलब बोल रहे ना जो चीज़ से जो हमारा जो दूर वही चीज़ को हम प्रोमिनेंस दे रहे हैं तो कहाँ से रहेगा वो तो इसीलिए आप अगर पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम जो सेवेंथ कैंटो है प्रह्लाद महाराज की शिक्षा यहाँ पे प्रह्लाद महाराज बेसिकली जो शिक्षा सब दे रहे हैं क्या है हम लोग का वैदिक कल्चर उसमें हम लोग समझ सकता है तो इसीलिए हम लोग जो 7.6.1 जो श्लोक है मैं क्या बोल रहे हैं ना हम लोग इसको थोड़ा वो करेंगे कौमराता चरे प्राज्ञो धर्मान भागवता यहाँ दुर्लभम मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम् कौमारेताचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतायः दुर्लभम मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम् तो बोल रहे क्या देखिए प्रह्लाद महाराज सेठ वन हु इज सफिशियंटली इंटेलिजेंट शुड यूज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ इन अदर वर्ड्स फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस गिविंग अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव्ड एंड ऑल्दो टेम्पररी लाइक अदर बॉडीज इट इज मीनिंगफुल बिकॉज इन ह्यूमन लाइफ one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना जो व्यक्ति हाँ जो व्यक्ति जब कौमारा मतलब जब उसकी उम्र 5 साल की
जन्म से लेकर 5 साल का उम्र तक, तभी से उसको क्या है कृष्ण भक्ति की अनुशीलन करना चाहिए, तब जाकर जो है वो व्यक्ति अपना जीवन को सही दिशा में ले जा पाए। जैसे पर्पोर्ट में प्रभुपाल जी क्या बोल रहे, देखो द होल पर्पस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन एंड ऑफ रीडिंग द वेदास इज टू अटेन द परफेक्ट स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। According to the Vedic system, therefore, from the very beginning of life, the Brahmacharya system is introduced so that from one's very childhood, from the age of 5 years, one can practice modifying one's human activities so as to engage perfectly in devotional service. So, अच्छा थोड़ा और पढ़ते हैं। As confirmed in Bhagavad Gita, Salpam apiyasya dharmasya rajyate mahato bhaya. Even a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Modern civilization, not referring to the verdicts of Vedic literature, is so cruel to the members of human society that instead of teaching children to become brahmacharis, it teaches mothers to kill their children even in the womb. On the plea of curbing the increase of population, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए प्रभुपाद जी जो भी बात बोलते हैं वो प्रैक्टिकल बोलते हैं, रियलिटी वास्तव बात बोलते हैं। प्रभुपाद जी कोई इधर उधर से नहीं बोलते हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात बोलते हैं। और प्रभुपाद जी का जो बात वर्ड्स है ना, ये सब माने सोने का अक्षर समझते हैं ना, गोल्डन वर्ड्स, अच्छा गोल्डन वर्ड्स है, कभी गलत नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोल रहे, देखिए कि ना ए टीचर्स माने जो क्या बोलते हैं जो आधुनिक नहीं, बच्चे को बचपन से उसको सिखाना चाहिए कैसे वो अपना इंद्रियों को नियंत्रण करेगा, कैसे अपना मन को नियंत्रण करेगा, ये सब नहीं सिखा के एक माँ को सिखा रहे हैं, माँ को सिखा रहे हैं क्या ना, बच्चे को कैसे अपना गर्भ में मार देगा, समझ रहे हैं, ये समझने का कोशिश कीजिए। बहुत सारा अलग अलग जो सब प्रोसेस अलग अलग ऑप्शन है जिसके द्वारा व्यक्ति को उत्साह दिया जाता है इलिसिट सेक्स करने के लिए, कैसे अगर मानो इफ अगर जो बच्चे को गर्भ में मारना अगर लीगलाइज है और अगर बच्चे का जन्म देने की इच्छा क्या बोलते हैं बच्चे को नहीं भी जन्म दे चलता है ठीक है, तो फिर उसका मन में ओके मतलब मैं एंजॉय कर सकता हूँ, समझ नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी डायरेक्टली बोल रहे हैं ना, उसका माँ को सिखा रहा है। यहाँ पे लाइन क्या देखो, हाँ वन कैन प्रैक्टिस, अच्छा अच्छा मॉडर्न इज नॉट रेफरिंग टू वर्डिक्स ऑफ वेदिक इज टू इज सो क्रूएल टू द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट इंस्टेड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन टू बिकम ब्रह्मचारी टीचेस मदर्स, इट टीचेस मदर्स बोल रहे हैं, इट टीचेस मदर्स मतलब जो लड़की स्कूल में जाता है बचपन से तो उसका स्कूल में ही उसका ट्रेनिंग हो रहा है, समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट, इट टीचेस द मदर, क्यों बोले इट टीचेस द मदर, बिकॉज जो जब लड़की स्कूल जाती है तो बचपन से उसका उसको ट्रेनिंग हो रहा है क्या चीज करने के लिए, कैसे बच्चों को घर में मारेगा, इसलिए समझ लें। तो क्योंकि देखिए क्योंकि जो एडुकेशन सिस्टम में हम लोग हैं पढ़े हैं ठीक है, तो वो एडुकेशन सिस्टम का उद्देश्य वही कैसे सब लोग इस प्रकार का बनेंगे, जैसे मानो जो दूसरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटिश इंडिया है, तो ब्रिटिश इंडिया में
ब्रिटिश है या यूरोप है या अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे सीजन होता ही नहीं है बेसिकली। वहाँ पे एक होता है समर, एक होता है विंटर। एक समर एक विंटर, दो चीज होता है और कुछ नहीं होता है। उनका अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, उनका सिचुएशन के हिसाब से दो चीज, एक समर एक विंटर। और तो इसलिए वो उनका जो संस्कृति है ठीक है, या तो उन्होंने जो शिक्षा उसका वो रिजल्ट हुई, समझ रहे ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे, देखो ऑन द प्ले ऑफ कार्विंग द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, नेक्स्ट पॉइंट, ये एक बहुत बड़ा चीटिंग, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोल रहे हैं कि एक हाथी को इतना खाता है अफ्रीका का जंगल में, उसको खाने को मिलता है, एक चीटी थोड़ा सा खाता है उसको खाने को मिलता है, ये आदमी को क्यों खाने को नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का पर्पोर्ट में बोलते हैं क्योंकि आदमी इस पूरा जो अभी जो सभ्यता है मिसमैनेज किया है, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। कैसे, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते, बोले कि एक जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूँ हुआ, वो गेहूँ को ले जाके वो समुंदर में फेंक दिया, क्योंकि गेहूँ का दाम को प्राइस को ठीक जगह पर रखने के लिए। जो आदमी खा नहीं पा रहा है, भूखा मर रहा है, उसको दो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं द प्लिया ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये हवा है, यहाँ पे कितना लिविंग एंटिटी है, कितना सारा कोरोना वायरस है, कितना सारा ब्लैक फंगस है, कितना सारा व्हाइट फंगस है, और कितना सारा येलो फंगस है। उसको जीने के लिए भगवान दे रहा है, तो बाकी लोगों क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसका बचपन से उसका ट्रेनिंग हुआ है, यहाँ पर बताएंगे। एंड इफ बाय चांस ए चाइल्ड इज सेव्ड, ही इज एडुकेटेड ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद जी कितना हैवी बोल रहे हैं, देखिए आपको लगेगा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पहले तो उस बच्चे को मार डालने का कोशिश करेगा, पहला तो बच्चे का जन्म नहीं देना चाहता है, फिर दूसरा जब उसका माने वॉट एवर सब सिस्टम है ताकि बच्चा ना हो, ठीक है, उसमें अगर बच्चा हो गया ठीक है तब उसको मारने की इच्छा, उसमें अगर वो बच गया, प्रभुपाद जी ऐसे ही बोल रहे ना, तब उसको स्कूल भेजता है। प्रभुपाद जी बोले देखो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे, समझने की कोशिश कर, समझने की कोशिश करो प्रभुपाद जी कितना कितना डीपली बोल रहे हैं। बोलो ना, इफ बाय चांस ए चाइल्ड इज सेव्ड, ही इज एडुकेटेड ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ग्रेजुअली थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड ह्यूमन सोसाइटी इज लूजिंग इंटरेस्ट इन द परफेक्शन ऑफ लाइफ, इंडीड मैन आर लिविंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, स्पॉइलिंग द ड्यूरेशन ऑफ देयर ह्यूमन लाइव्स बाई एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू ट्रांसमाइग्रेट अगेन टू द डिग्रेडेड स्पीसीज अमंग 84 लाख फॉर्म्स ऑफ लाइफ। द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज एंग्सियस टू सर्व ह्यूमन सोसाइटी, टीचिंग पीपुल टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस विच कैन सेव ए ह्यूमन बींग फ्रॉम बींग डिग्रेडेड अगेन टू एनिमल लाइफ। As already stated by Prahlad Maharaj, Bhagavad Dharma consists of Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. In all the schools, colleges and universities and at home, all children and youths should be taught to hear about Supreme Personality of Godhead. In other words, they should be taught to hear the instruction of Bhagavad Gita. To put them into practice in their lives and thus to become strong in devotional service.
free from fear of being degraded to animal life. Following Bhagavad Dharma has been made extremely easy in this age of Kali. The Shastra says, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Iva Kevalam, Phalo Nasti Eva Nasti Eva, Nagati Ranyatha. One need only chant the Hare Krishna Mahamantra. Everyone engaged in the practice of chanting the Hare Krishna Mahamantra will be completely cleansed from the core of his heart and be saved from the cycle of birth and death. Prabhupada ji, to Prabhupada ji, dekho, Prabhupada ji jo bol rahe na, to Prabhupada ji ka baat mein bahut deep hai. बहुत सटल चीजें हम लोग नहीं, भोपाल जी एकदम परफेक्ट पॉइंट वो बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि पहला तो आदमी बच्चे का जन्म नहीं देना चाहता है, दूसरा है कि कोशिश करता है कैसे नहीं जन्म हो, और अगर फिर जन्म हुआ तो उसको कैसे मार दिया जाए, अगर उसमें वो बच गया तब उसको वो बोल रहे हैं उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है। प्रभुपाद जी कितना उसमें गहराई में जाके बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन है। इसीलिए मतलब हम लोग आप देखेंगे ऐसा ही सभ्यता है, एडुकेशन सिस्टम व्हाट काइंड व्हाट नॉनसेंस इज नॉनसेंस। तो इसलिए तो प्रभुपाद जी का जो वर्ड्स था, प्रभुपाद जी जैसे अभी आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो एक मैं लेक्चर सुन रहा था उसमें जाना निवास प्रभु बता रहे थे कि नरसिंह देव अपीयर आते हैं इस जगत में तब सब कुछ शांत हो जाता है, कुछ जितना सारा मतलब दूर जो विपद आपद सब शांत हो जाता है, एक लक्षण है। ठीक है, और एक दूसरा भी लक्षण है, बोल रहे थे, बोले जब मायापुर में जब नरसिंहदेव का विग्रह को बनाने के लिए एक दक्षिण भारत में एक स्थपति के पास सब लोग गए तो वो राजी नहीं हुआ नरसिंहदेव को विग्रह बनाने के लिए, तो उसका सपना में जो है नरसिंहदेव आने लगे, तो फिर वो राजी हुआ इस नरसिंहदेव का विग्रह बनाने के लिए। तो जब उन्होंने नरसिंहदेव की विग्रह को बनाया बनाने के बाद जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तो क्या हुआ ना, उसका जो ऐसे उसका घर था उसका घर का छत में आग लग गया। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा तूफान आया, बिजली गिरा और उसका घर में आग लग गया। ठीक है, तब वो जो मायापुर के डिवोटी लोग उनको बोल रहे हैं कि आप आके इनको लेके जाइए यहाँ से। तो नरसिंहदेव आने से ऐसा भी हो सकता है। तो एक भजन गाएंगे, तुम ही तो मारी ले जा रहे टाइप का हम लोग का ये जो सॉन्ग है भक्ति विनोद ठाकुर का, ये सॉन्ग को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए क्योंकि इसमें जो पूरा जो फिलोसॉफी है भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा से बताए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे समझ है। उसको गाएंगे उसके बाद हम आपको बताते हैं। तुम ही तो मारी बेजारे के तारे राखीते पारे तबो इच्छा बसु त्रिभुव तुमी तो मारी बेजारे के तारे राखीते पारे तबो इच्छा बसु
सुत्रिभुवन ब्रह्मादि देव गो तब दासो अगन करे तब आगर पाल तब इच्छा मते जत गह गण अविरत शुभा शुभ फल तब भये वायु वय चंद्र सूर्य समुदाय सनियमित कार्य करी तब भये वायु वय चंद्र सूर्य समुदय सनियमित कार्य करी তুমি তো পরমেশ্বর পরব্রহ্ম পরাত্মন তব বাস ভক্ত অন্তরে সদা শুদ্ধ সিদ্ধ কাম ভকত বৎসল নাম ভকত জনের নিত্য স্বামী তুমি তো রাখিবে জারি কে তারে মারিতে পারে সকল বিধি বিধি তুমি তোমার চরণে না করিয়াছি প্রণিপাত ভকতি বিনোদ তব বিপদ হইতে স্বামী অবশ্য তাহারে তুমি রক্ষিবে তাহারে বিষাদ
তুমি তোমারি বেজারি কে তারে রাখিতে পারে তব ইচ্ছা বস ত্রিভুব ব্রহ্মাদি দেব তব দাস অবনয় করে তব আগার यहाँ पे क्या बोल रहे देखिए तुम ही तो मारी में जा रे के तारे राखी दे पानी तो वो इच्छा बसो जीवन कृष्णा जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता है तुम्हारा इच्छा के बस में तीन भुवन चल रहा है कृष्ण का इच्छा के बस में है सब कुछ समझ रहे ना ब्रह्मा आदि देवो गौन तबो दासो अगौन ब्रह्मा और जितना सारा डेमिगॉड है वो क्या है कृष्ण का दास अनलिमिटेड अगौन ऑन करे तबो आज्ञा रो पालो जैसा कृष्ण आज्ञा देता है वो ऐसे काम करते हैं ठीक है इसे बोल रहे तबो इच्छा मते जो तो ग्रहो गणो अविरोध भगवान का इच्छा से ये ग्रह जितना सारा है वो चल रहा है सुबह सुबह फल करे दान आपको अच्छा फल देता है कभी बुरा फल देता है कृष्ण का इच्छा से रोगो शोको मृति भयो तबो इच्छा मोते हो कृष्ण का इच्छा से रोग होता है कृष्ण का इच्छा से हमारा मृत्यु होता है तबो आज्ञा सदा बलवान कृष्ण का इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है इसलिए अगला लाइन में क्या बोले तबो भय वायु वायो कृष्ण का भय से वायु रहता है कोशिश कीजिए और चंद्र सूर्य समुदय चंद्र ग्रहण भी कृष्ण का इच्छा से होता है सूर्य ग्रहण चंद्र सब कृष्ण का इच्छा से सब कुछ होता है स्वसो नियमित कार्य कर वो लोग अपना काम कर रहे कृष्ण की इच्छा से इसीलिए बोल रहे कि कृष्ण है परमेश्वर कृष्ण है सब अल्टीमेटली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हाँ तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ना जो भक्तिवोटी है उसका पालन करने वाला कौन है कृष्ण कृष्ण जिसको रक्षा करेगा उसको कोई नहीं मार सकता ठीक है और इसलिए बोल रहे तुम्हारो चरण नाथ इसलिए तुम्हारो चरण नाथ कोरी अच्छी प्रणिपात इसलिए हे कृष्ण मैं खुद को आपका चरणों में समर्पित करता भकोती विनोदो तबो दास विपदो होते स्वामी विपद से अगर कृष्ण बचाएगा तो बचेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं कृष्ण अगर मारना चाहता है तो मारेंगे समझ रहे कि नहीं इसलिए जो कृष्ण की भक्त होता है उसको मृत्यु से कोई भय नहीं होता है क्यों मृत्यु से डरेगा मृत्यु तो और बढ़िया है ध्रुव महाराज बोले देखो दो चीज है एक जो डिवोटी भक्त नहीं है उसके सामने मृत्यु क्या बनकर आता है मृत्यु सर्वहारस चाह प्रभुपाद जी बोल रहे उसका सब कुछ छीनने के लिए आता है मृत्यु मतलब हम लोगों को इस जगत में जितना आसक्ति है उतना भय लगेगा मेरा ये चला जाएगा वो चला जाएगा लेकिन जो डिवोटी है उसके सामने मृत्यु क्या बनकर आता है एडवांसमेंट जैसे ध्रुव महाराज थे ध्रुव महाराज
खड़ा है बद्रिकाश्रम में, तो उनके सामने आया कौन? मृत्यु आ गया, पर्सोनिफाइड, मन मृत्यु आगे खड़ा हो गया। तो ध्रुव महाराज को भय नहीं लगा। ध्रुव महाराज क्यों क्यों मृत्यु आया उसके पीछे पीछे देख रहा है, वैकुंठ अभिमान दिख रहा है उसको। तो ध्रुव महाराज एक पैर रखा मृत्यु का सर पे और अगला पैर रखा वैकुंठ की विमान। ठीक है, और उसी शरीर में वो वैकुंठ विमान में प्रवेश कर गया। तो इसीलिए जो भगवान की भक्त है उसको मृत्यु से क्यों भय होगा, समझ रहे ना? वो क्यों डर देगा मृत्यु से, उसके लिए तो बढ़िया है एडवांसमेंट, समझ रहे ना? यहाँ बोल रहे ना, हाँ जी, यहाँ पे बोल रहे हैं शुरू में बोले तुम्ही तो पहला लाइन था, तुम्ही तो मारी बेजारी, हाँ यहाँ पे फोर्थ चैंजा में क्या बोले, तुम्ही तो राखी बेजारी केतारे मारी ते पारी सकोलो विधिर विधि तुम्ही। जिसको आप मारेंगे उसको नहीं कोई बचा सकता है, जिसको रक्षा करेंगे उसको कोई नहीं मार सकता है, इसलिए मेरा रक्षा करना मेरा मरना आपका हाथ में है, हाँ मेरा हाथ में नहीं, क्योंकि कृष्ण कंट्रोल में। हम लोग अब क्या, हम लोग का हृदय में बहुत सारा अनर्थ है जिसके कारण हम लोग को इस जगत में आसक्ति हो जाता है, और जब हम लोग को इस जगत में आसक्ति हो जाता है तो इस जगत में हम लोग नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं, और जितना ज़्यादा हम लोग नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग इस जगत में दुखी हो जाता है, बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन ये बात साफ साफ बात है हाँ, जो कृष्ण की इच्छा से कृष्ण रक्षा करेगा, कृष्ण मारेगा, मारो है ना, जैसे प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद, देखो एक चीज समझना पड़ेगा, हम लोग हमेशा वैसा मूवी देखना चाहता है जिस मूवी का अंत में हीरो जीत जाता है, है कि नहीं, है कि नहीं, लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए जियो वा मरो वा, जीने से मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जो डिवोटी है उसके लिए जीना मरना एक समान होता है, समझ रहे ना? हाँ, जियो वा मरो वा क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो एक ही काम करेगा, अगला जो मर गया मानो अगला जीवन में जब जन्म ले तब क्या करेगा, भक्ति करेगा, सेवा करेगा, और क्या करेगा, जीने से भी सेवा करेगा मरने से भी सेवा करेगा, फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ आपका ये शरीर बदल रहा है, एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर में जा रहा है, बात तो बराबर ही, समझ रहे ना? तो इसीलिए ये बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए जो डिवोटी है उसको मृत्यु से कोई भय नहीं होना चाहिए, क्यों भय, क्या कौन बात का भय, उसको क्या चीज़ का लॉस होने वाला है, उसको फायदा है। इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा है कि हमेशा भगवान कैसे भक्तों का रक्षा किए पॉजिटिवली, हाँ तो मतलब इन द सेंस हम लोगों का, देखो कृष्णा रक्षा करेंगे पॉजिटिवली, ठीक है, मतलब लेकिन हम लोग उसको, हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब कृष्णा जो है, जब हम लोगों को मतलब हम लोग जितना सारा घटना देखा है कृष्ण, जैसे बाइबल है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट है, ये सब में भी उस टाइप का घटना, कैसे जो है वो लोग, जैसे जो जीवस लोग थे वो लोग कैसे पानी में डूब रहा था तो उनको उस समय गॉड आके कैसे बचाया, इस टाइप का घटना, और हम लोग भी ऐसा ऐसा ही घटना जनरली सुने हैं, है कि नहीं, और ऐसा ऐसा ही घटना ही ज़्यादातर बताया जाता है। लेकिन मानो कोई व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, वो पूरा भगवान का पूरा भक्ति किया लेकिन वो मर गया, तो हम लोग सोचता है पूरा लॉस हो गया लगता है, अरे उनके साथ ऐसा कैसे हुआ, जो भक्त है उसको बीमारी कैसे हुआ,
उसको तो नहीं होना चाहिए, कृष्ण को उसको रक्षा करना चाहिए था, क्योंकि हमारा रक्षा करने का अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको हाँ जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रहे किस जगत में मरेगा ना समझ रहे हो, इस जगत का गू खाने के लिए जिंदा रहेगा ठीक है, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग। हम लोग ये नहीं समझ पाता है कि जो व्यक्ति मर रहा है हाँ, अरे वो मर नहीं रहा है ठीक है, उससे इस उसको इससे बढ़कर डेस्टिनेशन मिलने वाला है, समझ रहे कि नहीं। इसलिए इट इज इल टू से वैष्णवा डाइज, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे, इट इज इल टू से वैष्णवा डाइज टू लीव इन द सॉन्ग, इट इज इल टू से मतलब ये बात बोलना गलत है कि वैष्णव की मृत्यु हो चुकी है, वैष्णवा डाइज टू लीव, उसका मृत्यु होता है उसको जीने के लिए, आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा इन द सॉन्ग जो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी जब थे तो उनकी जो जरूरत है उसको लोग महसूस करता ही था, लेकिन प्रभुपाद जी जब चले गए तब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, आपको जरूरत है तब आप क्या करेंगे, ये जो सब जो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे इसको बार बार पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर प्रभुपाद जी, कहाँ क्या बोले, मर मर के पड़ेगा समझ रहे हो, तो उनका जो उन्होंने जो लिखी उसके अंदर वो जीवित है, बोलना कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद जी बोल के गए उसमें हमको विश्वास नहीं, तो जब समय आएगा जब सब घटना घटेगा तब हमको विश्वास आ जाएगा कि प्रभुपाद जी गलत नहीं बोलता है, समझ रही है। तो इसीलिए जो वैष्णवा है डाइज टू लीव, जब उसका फिजिकल एब्सेंस होता है तब हमको खोज मर मर के खोजना पड़ता है, समझ रहे कि नहीं, ये कहाँ मिलेगा वो समझ रहे, वो जो इंस्पिरेशन था वो स्पिरिचुअल एस्पिरेशन था ठीक है, तब वो माने अगर वो उस साउंड से कनेक्ट कर पाया वो इंटरनली कनेक्ट हो गया, उसमें वो व्यक्ति फिजिकली रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे ना। तो इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए, कोई प्योर डिवोटी है कोई क्या बोलते हैं उनको बीमारी हो गया, उनको कैसे बीमारी हुआ या उनका मृत्यु हुआ, जो भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स शिष्य लोग थे लगभग सभी लोगों का मृत्यु एक्सीडेंट से, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक्सीडेंट से डेथ हुआ, तो ऐसे उनका एक डिसाइपल था उनका नाम था विश्वाम्बर नाम था, तो उनका सर्वेंट तो उनको बोले आई एम गोइंग, तो सब बोले इतने बोले लगा कि अद्भुत लगा मेरे को थोड़ा, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ ठीक है, और गए उनका एक्सीडेंट हो गया लेकिन नहीं बोले ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ ना, स्वरूप दामोदर महाराज थे तो जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा था कहाँ पे, इम्फाल जानते हैं ना मणिपुर, हाँ तो वहाँ पे उस समय बोड़ो टेररिस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था तो उसमें वो प्रोग्राम कर रहे थे जन्माष्टमी का प्रोग्राम कर रहे थे, तो बहुत सारा लोग आया था तो वहीं पे वो टेररिस्ट ग्रुप ने बम डाल दिया ठीक है, तो बम लग के महाराज डेथ हो गई। ऐसे ही इस भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर से बॉडी लीव कर दी ठीक है, फिर हमारा भक्ति चारू स्वामी महाराज वो कोरोना बॉडी लीव, सभी देखोगे इंसिडेंट्स सभी वो है नॉट नेचुरल एक्सीडेंट, आइंदर सिलेंडर बस्ट हो गया, सिलेंडर फट गया।
तो हर एक इंसिडेंट कहाँ, तुम जनरल डेथ कहाँ है, सभी तो वो एबनॉर्मल डेथ है, माने कृष्णा इंटरफेयर करते हैं उनका लाइफ में। यहाँ पे जो बात बोल रहे हैं, कृष्णा उनको लेने के लिए इंटरफेयर करता है, ऐसा पॉइंट है। तो इसीलिए जब कोई जनरल नॉन डिवोटी की मृत्यु होता है तो उस समय इस प्रकार से हो सकता है, तो हम लोग अरे मतलब लाइक समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा जो कोई व्यक्ति का ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी का डेथ होता है, मतलब जो बॉडी लीव करते हैं, इट्स नॉट सेम थिंग, क्योंकि उनको उनको कृष्ण उनको वो करते हैं, वहाँ से ले लेते हैं वो दूसरा जगह पे ले जाने के लिए। इसीलिए जो डिवोटी है, प्योर डिवोटी है, वो कम्प्लीटली ऐसा जो चेतना है इसमें अब्जॉर्ब, उनको कोई चिंता नहीं, रियली में चिंता नहीं, उनको कोई भय नहीं, ठीक है समझ लो। अब हम लोग बोले जितना भी, हम लोग बहुत कुछ तो आ सकती है, उनको कोई आ सकती नहीं, जीरो अटैच, उनको कोई भय नहीं। इसलिए ऐसा व्यक्ति के साथ जो एसोसिएट करता है तो व्यक्ति फील करेगा कि हम मुक्त हो गया है, क्योंकि उनका एसोसिएशन का प्रभाव है, ठीक है ना, ऐसा पॉइंट। तो ये बात है, ठीक है। तो आज नरसिंह चतुर्दशी, आज तो उपवास है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मतलब अभिषेक कर सकते थे लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग दूसरा कोई चीज़ में थोड़ा बिजी हो गए, ठीक है। अपना कुछ अरेंजमेंट कुछ सब चीज़ में हम लोग थोड़ा बिजी हो गए, अभिषेक हम लोग नहीं कर पाया, किसी को बुला नहीं सकता है, ठीक है। तो कभी भी तूफान आ सकता है, ठीक है, मे बी इवनिंग को शुरू हो जाए, पता नहीं हमको, तो जो भी है। तो इसलिए हम लोग इस कोई इस टाइप का प्रोग्राम नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कीर्तन करेंगे। हाँ तो आज तो नहीं आएगा ना, आएगा आज, आज शायद शाम को, आज शाम को यहाँ नहीं आएगा। जैसा कोरोना सिचुएशन, उसके अंदर तूफान, लॉकडाउन, उस पर तुम कहीं भाग नहीं सकता है अपने आप को बचाने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले थे, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल सेव दिस वर्ल्ड एट इट्स मोस्ट डार्केस्ट आवर। तो पता नहीं है कि जो परिस्थिति है क्या है, इसलिए हरिनाम कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है, ऐसा पॉइंट, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की। तो अभी थोड़ा कीर्तन कर ले क्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। जाया नरसिम्हा देव नरसिम्हा देव जय नरसिम्हा देव जय नरसिम्हा देव नरसिम्हा देव नरसिम्हा देव जय नरसिम्हा देव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। जय नरसिम्हा देव नरसिम्हा देव जय नरसिम्हा देव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
चित्ता 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो रे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। जाया नरसिम्हादेव 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 जय नरसिम्हादेव। नरसिम्हादेव नरसिम्हादेव जय नरसिम्हादेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। जय नरसिम्हादेव 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 जय नरसिम्हादेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। जय नरसिम्हादेव 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 जय नरसिम्हादेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। जय नरसिम्हादेव 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 जय नरसिम्हादेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण